नया वीडियो सीखने वाले हैं जिसका नाम है रेफरेंस, और मैं अभिनंदन गौर, अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। यूट्यूब चैनल अभिज्ञान AMC पे आप जाकर सभी कंप्यूटर के वीडियो फ्री देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो जो नई अपडेट है वो मिलती रहेगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। रेफरेंस, जैसे कि आपको पता है क्या होता है कि कहीं हम कंपनी में जाते हैं तो किसी का रेफरेंस लगाते हैं, या किसी कोचिंग में जाते हैं तो किसी का रेफरेंस लगाते हैं कि भैया हमने उस व्यक्ति ने हमको भेजा हुआ है आपके पास, या कहीं पर हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ रेफरेंस बताना होता है। तो रेफरेंस हम बता देते हैं कि वो फलाने भैया ने हमको आपके पास भेजा है, तो वही का वही हमारा यहाँ पर रेफरेंस काम करेगा। इस तरीके से देखते हैं, पहले यहाँ पर इक्वल RAND हम शिफ्ट ब्रैकेट इसको जैसे हम पहले से प्रेस करके इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा एक मैटर आ जाता है। इस मैटर की शुरुआत में हम लिखने वाले हैं अर्थमेटिक कंप्यूटर, ARTHMETIC अर्थमेटिक, COMPUTER कंप्यूटर, EDUCATION कंप्यूटर एजुकेशन लिखा। हम यहां पर लिखने वाले हैं वेलकम AMCE। अब देखिए दोनों को लिखा है हमने, इस एजुकेशन को हमने सेलेक्ट करा, होम पे जाएंगे हम और यहाँ से सिंपल वाली एक हेडिंग दे देंगे हम जो ज़्यादा बड़ी ना हो, ये दे दिया हमने, और AMC को भी हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम इंटर करेंगे। अब देखिए रेफरेंस पे चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है, इसके दो अलग अलग प्रकार बताऊँगा मैं, देखते हैं हम। इस पर हमने क्लिक करा टेबल ऑफ कंटेंट पर, तो यहाँ से हम किस पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिक टेबल वन पर। तो यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करा हमने तो देखिए जो हमने जो नीचे लिया हुआ जैसे अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन और वेलकम कंप्यूटर, वेलकम टू द AMCE, तो दोनों आ गए हैं। अब देखिए दोनों यहाँ पर दिखा रहा है, तो टेबल कंटेंट्स जो हैं वो हमारे दोनों आ चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए कंट्रोल क्लिक बोल रहा है, तो कंट्रोल क्लिक करने से हम उस लिंक पे आ जाएंगे फॉलो करने के लिए कि वो है कहाँ से, जो हमने लिया हुआ है वो मटेरियल कहाँ से है। जैसे कि बुक में रहता है कि ये जो लेसन वन है ये कितने पेज पर है, और लेसन टू है वो किस नंबर के पेज पर है। चलिए दूसरा देखते हैं, एड टेक्स। ये एड टेक्स क्या होता है, लेबल है, इनको कैसे फॉलो करेंगे। जैसे कि आपने लिखा AMCE, दूसरे पे लिखा आपने जैसे कि AMCE, AMC फर्स्ट, AMCE सेकंड, AMCE थर्ड, इस तरीके से हमने तीन स्टेप लिखी। तो पहली वाली को सेलेक्ट करेंगे हम, एड टेक्स पे जाएंगे फर्स्ट लेवल, तो ये देखते हैं। दूसरे पे चलते हैं सेकंड लेवल, फिर सेलेक्ट टेक्स करते हैं यहाँ से थर्ड लेवल। तो देखिए ये वाले का साइज कितना है, ये वाले का 14, ये वाले का कितना है 13, और ये वाले का कितना है हमारा 11, मतलब तीनों के साइज अलग अलग सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है टेबल ऑफ कंटे अपडेट टेबल, उससे पहले एक और देख लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं टेबल पर, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो आ चुका है हमारा लेबल, इसमें जैसे कि टाइटल, फर्स्ट टाइटल से उसका नाम दीजिए आप, जो आपने लिया हुआ है क्या लेसन, जैसे कि हमारे उसमें आता है बुक्स में। अब यहाँ पर आता है हमारा अपडेट टेबल, या तो यहाँ पर क्लिक करिए आप, या फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक करके ओके क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से जो AMCE फर्स्ट सेकंड थर्ड थे वो भी आ गए। अब यहाँ से वो बोल रहा है कंट्रोल क्लिक, तो मैं यहाँ पर जाके कंट्रोल क्लिक करता हूँ, तो मैं सीधा सेकंड नंबर पे आ चुका हूँ। अब हमारा एक अधूरा पार्ट छूट रहा है, उसको और देखते हैं। यहाँ पर लिखा हमने कंप्यूटर एजुकेशन गुड, इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पर गए सेकंड हेडिंग दे दी, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करा, अपडेट यहाँ पर पे क्लिक कर दो, या फिर रेफरेंसेस से जाकर यहाँ पर, दोनों पे से कहीं पर भी अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक कर दीजिए, तो वो एक और कंडीशन बढ़ गई। इसके ऊपर बढ़ी वो, क्योंकि ये टेक्स तीनों टेक्स के ऊपर है, तो वो तीनों टेक्स के ऊपर बढ़ गया कि कंप्यूटर एजुकेशन इज गुड। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स इस क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल कैसे बनता है, क्या करते हैं, ये अधिकतर ये पूरा रेफरेंस जो है पूरा कंप्लीट, ये एक्चुअली किस चीज़ के लिए, जो हम बुक बनाते हैं उसके लिए है,
जो बुक है या कोई नोट्स वगैरह तैयार करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट एंड नोट एंड नेक्स्ट एंड नोट फुट नोट लिखा हुआ है, फुट नोट्स पढ़ते हैं, ये क्या होता है इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक करा, ये यहाँ पर कर्सर रखा एंड पे और इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करा। आप देखते हैं कि हम जैसे बुक बनाते हैं या फिर हम कोई एक पॉम्पलेट बनाते हैं, उसमें लिख देते हैं कि ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ के एक छोटा सा आंसर, मतलब यहां पर लिखा हमने ए एम सी ई इज गुड कंप्यूटर सेंटर। अब यहां पर आप गलत करिए, ये देखिए गलत आ गया, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए और जो शब्द आपको लिखना है उस पर आप चेंज कर सकते हैं। वैसे ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है जो इसकी डिक्शनरी के अंदर है, वो सारे ऑटो करेक्ट कर लेता है। अब ये लिख तो दिया है, अब इसकी पहचान क्या है इंसर्ट एंड नोट फुट नोट की, इसकी पहचान ये वन, ये देखिए छोटा सा वन दिख रहा है। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो ए एम सी इज गुड कंप्यूटर सेंटर, मतलब वो बता रहा है इसके बारे में। सेकेंड का बताते हैं हम, यहाँ से हमने इंटर करा, ये इसको अभी हम डिलीट करते हैं, थोड़ा सा कट करते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक करा इंसर्ट एंड नोट, मतलब जहाँ से आपने एंड टेक्स करा है इसकी पहचान है आई, आपने इस क्लिक करा। अब देखो यहाँ पर आपने लिख दिया कंप्यूटर इज इंपॉर्टेंट, इसको भी गलत कर दीजिए, कुछ लगा दीजिए इसमें डब्ल्यू कुछ भी लगा दीजिए। अब देखिए ये ऑटो करेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देगा वो ऑप्शन कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से, लेकिन ये एक्चुअली है सिर्फ ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है, ये सॉफ्ट कॉपी के लिए। यदि ये प्रिंट कर देते हैं हम तो फिर ये सारा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ किस चीज़ के लिए है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए है, और इसके अलावा इसका कुछ भी काम नहीं है। ये हटेगा नहीं, नॉर्मल तरीके से नहीं हटेगा, इसको हटाने के लिए आपको ये वन को हटा दीजिए, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इसके बाद हटा कर दिखाने वाले हम, यहाँ पर चलते हैं एंड नोट देखने के लिए, सो एंड नोट या सो फुट नोट, यहाँ पर आप क्लिक करिए प्रीव्यूज और यहाँ पर एंड नोट नेक्स्ट नए इस पर क्लिक करिए, सॉरी प्रीव्यू नेक्स्ट पर, तो आप यहाँ पर ये देखिए कर्सर आपका कहीं पर भी है, आप उस पर चले जाइए तो ये लगा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये देखिए आगे वो पीछे हो जाता है। सो नोट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, फुट नोट देखना है आपको, फुट नोट पर ये आ गए। अब फुट नोट पे है अभी, आप एंड नोट पे क्लिक करिए, सो एंड नोट पे क्लिक करिए, एंड नोट पे आ गए आप, फुट नोट ये एंड नोट वो है। इसके बाद में आता है इंसर्ट क्लिएशन, क्या होता है कि सिटीजन जो होता है, सिटीजन बिब्लियोग्राफी, ये क्या होता है इसको अब देखते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करा और इस पर आपने क्लिक कर दिया, अब आपने एड न्यू सोर्स पर क्लिक करा और ये बुक, मैंने बताया ना बुक बनाने के काम में आता है, तो यहाँ पर आपने ए एम सी ऑथर कर दिया कि ऑथर कौन है। अब यहाँ पर टाइटल दे दिया कंप्यूटर, ईयर दे दिया आपने 2019, सिटी दे दिया आपने KNW और पब्लिशर दे दिया आपने KNW और पब्लिशर दे दिया आपने ए एम सी ई, पब्लिशर आप देते थे ए बी एच आई अभी जी वाई ए एन अभी ज्ञान दे दिया। अब ये यहाँ पर जैसे कि टाइटल है, अब अगर आप यहाँ पर ये इसके अलावा एक और लिख सकते हैं, जैसे कि आपने लिख दिया राम दास, या इसको आप डॉक्टर लगा दीजिए, जो भी इस तरीके से है, और ओके कर दीजिए। जैसे ही हमने ओके क्लिक करा तो ये दास, अब ये क्या आएगा, ये टाइटल आता है। अब आपको इसको किस तरीके से देखना है, APS मतलब स्टाइलिश में देखना है या फिर नॉर्मल देखना। अब हमारे यहाँ गलती हो गई तो मैंने सोर्स पे जाइए और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके ये रामदास वाले पे क्लिक करिए, पहले वाले पे ही, और एडिट करिए यहाँ पर, और एडिट का ऑप्शन आता है तो इसको ये इस तरीके से, क्योंकि पहले सरनेम आता है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दास डॉक्टर राम, ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। ये हो गया, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब इसके
इसको स्टाइलिश में चेंज करने के लिए देखने के लिए नाम वगैरह को, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ से इंटर कर रहा हूँ। अब इंटर करने के बाद में बिब्लियोग्राफी को आप देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी जिसकी आपने डिटेल दी हुई है कि राम, ये दो दो आ गई क्योंकि एक पहले बनी हुई है और एक अभी बनी हुई है, डॉक्टर रामदास कंप्यूटर बुक खंडवा और ये जो जिसके बारे में भी है, तो वो सबको दे रहा है। अब कुछ और न्यू लोग हैं तो यहाँ अपडेट टेबल पर क्लिक कर देना तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका कहीं पर भी आप देख लेंगे दो अलग अलग नामों से चेंज है, 2019 और 2009 के नाम से। इसके बाद में आता है हमारा अगले नंबर पर आता है जिसका नाम है इंसर्ट कैप्शन। ये क्या होता है, ये दिखा रहा है आपको कि ये इस तरीके से इमेज के नाम को देने के लिए किस तरीके से उपयोग में आता है। हम देखते हैं यहाँ पर इंसर्ट पर चलते हैं। आप यहाँ से पिक्चर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, हम क्लिप आर्ट का उपयोग करके दिखाते हैं आपको। आप यहां से कुछ भी क्लिप आर्ट के अंदर से जो आपको फोटोज इमेज या लाइन लेयर जो भी आपको लेना है आप उसको ले लीजिए। आप उसके बारे में, हम जैसे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हम यहां से क्लिप आर्ट के अंदर से कंप्यूटर निकाल के दिखाते हैं आपको, क्योंकि कंप्यूटर चल रहा है तो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये आ गया कंप्यूटर, हमने यहाँ पर COMPUTER कंप्यूटर सर्च कर लीजिए। कंप्यूटर सर्च कर लिया तो कंप्यूटर आ जाएगा हमारा। गो पे क्लिक कर दीजिए, कंप्यूटर आ गए सारे। यहाँ पर कंप्यूटर आ चुके हैं। अब कंप्यूटर आ गए हैं तो हम यहाँ से एक एक करके कंप्यूटर ले लेते हैं। जैसे पहला कंप्यूटर ले लिया हमने, काफ़ी बड़ा आएगा उसको पहले छोटा कर लीजिए। ये हमने यहाँ से छोटा कर लिया है, और छोटा कर लीजिए। फिर सेकेंड यहाँ पर इंटर करते हैं हम, और सेकेंड इमेज हम कंप्यूटर की यहाँ लेते हैं। ये ले ली हमने एक और इमेज, इसको छोटी कर लीजिए ताकि पहले पेज पर आ जाए। यहाँ से हम ये सेकंड पेज, फर्स्ट पेज पे आ चुकी है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक और ले लिया हमने कंप्यूटर का हिस्सा, इसको छोटा कर दीजिए। और यहाँ पर क्लिक करके हम नीचे चार्ल्स बेबेज के साथ वाली एक कंप्यूटर की फ़ोटो ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। अब ये चारों इमेजेस हमने ले चुके हैं, हम इसको क्लिक करते हैं, नीचे लेकर आ जाते हैं इसको। ये आ गया, इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए सबसे पहले चलते हैं हम, यहाँ पर हमने क्लिक करा। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में रेफरेंस पे चलिए, यहाँ पर चलते हैं हम, इंसर्ट कैप्शन पे जाते हैं और यहाँ पर फिगर, यहाँ पर आपको कुछ नाम चेंज करना है तो आप जैसे कि न्यू लेवल पे जाइए, यहाँ पर आपको करना है COMPUTER कंप्यूटर 1 कर दिया, 1 हटा दीजिए नहीं तो 1.1 आ जाएगा। ठीक है दिखाता हूँ मैं, ओके कर दिया, ये 1.1 आ गया, ओके कर दिया। ये आ गया कंप्यूटर 1.1, इस पर क्लिक करिए, इंसर्ट कैप्शन पे जाइए 1.2, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपने जैसे क्लिक करा, ओके कर दिया, ये 1.3 आ गया है। अब इसको भी नहीं देते हम, अभी हमने अलग अलग तरीके से नाम ले लिए हैं। अब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पर क्लिक करा और ओके कर दिया, ये यहीं पर आ गया। कंप्यूटर 101 कहाँ है उस पर क्लिक करिए, सीधा आप उस पर पहुँच जाएंगे। अब देखो मैं इस पर हूँ कंप्यूटर, अब देखो ये क्या बता रहा है कि कंप्यूटर 101 पहले पेज पर है, कंप्यूटर 102 पेज पर है और वो 3 पेज पर है। यहाँ से हम कुछ थोड़ा सा कंट्रोल के साथ में इंटर करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, अपडेट टेबल पर क्लिक करते हैं, इंटायर टेबल पर क्लिक करा। अब देखिए दोनों चौथे पेज पे आ गए हैं, यहाँ पर दिखा रहा है ये 4 नंबर पेज पर है। ये देखिए कंट्रोल देन क्लिक 4 नंबर, ये रहा 4 of 4। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड कर दिया, 2 of 2 पर आ गए हैं। आप इस पर क्लिक करके अपडेट करिए, अपडेट टेबल इंटायर नंबर टेबल, ये आ गए, पेज 2 चेंज हो गए। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, वहाँ पर जाने के लिए, मतलब हमने क्या दिया हुआ है, हमने दिया हुआ है कंप्यूटर वन पे क्लिक करिए, इंसर्ट करिए, ये आ गया कंप्यूटर 2 इंसर्ट, कंप्यूटर 3 इंसर्ट। अब ये तीनों यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर 1 पे क्लिक करता हूँ, ये 3 पे क्लिक करता हूँ तो मैं सीधा 3 पे पहुँच जाऊँगा, मतलब उसका डायरेक्ट एड्रेस बार। अब मैं 4th पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कैप्शन, और ये देखो 1.2, मतलब चेंज नहीं होगा। समझ गए होंगे कि आप ये किस चीज़ के लिए, मेन आपका बुक बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिसमें ये डायग्राम वगैरह देने के लिए। अब मैं यहाँ पर टेबल मेरा अपडेट नहीं है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स पर, और इस पर जाकर मैं अपडेट टेबल पर क्लिक करके इंटायर नंबर पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो 4th नंबर बढ़ जाएगा, वो भी 2 नंबर पेज पर है, देख लीजिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। अगला आता है ऑन द इंसर्ट, क्लिक करा हमने,
मार्क एंट्री कर दीजिए आप, इंटर कर दिया आपने, इंटर करने के बाद में मार्क कर दीजिए, यहाँ पर हमने इसको मार्क कर दिया, क्लोज कर दीजिए। होम सो एन हाइट को हटा दीजिए, दूसरे नंबर को यू कैन इजिली चेंज को सेलेक्ट करिए, रेफरेंस पे क्लिक करिए, फिर मार्क करिए और ओके कर दीजिए। अब फिर उसको होम पे जाकर इसको हटा दीजिए सो एन हाइट को। अब ये होता क्या है, इस पर हम चलते हैं, रेफरेंस पे चलते हैं और इंसर्ट, यहाँ पर क्लिक करा हमने, इंटर करा, इंसर्ट इंडेक्स ओके कर दिया, ये दो इंसर्ट आ गए। अब ये देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये हमने क्या लिया हुआ, पहला मार्क हमने कहाँ की दी है एंट्री, हमने करी हुई ऑन द इंसर्ट फर्स्ट पर, और फिर यू कैन चेंज ली यहाँ पर करी हुई है। अब मैं एक और एंट्री आपको इसकी करके दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करा और मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया, होम पे गए, सो एन हाइट को हटा दिया। अब इस पर क्लिक करेंगे, इसमें भी सेम है अपडेट टेबल का इंडेक्स, ये सेकेंड नंबर आ चुका है। और इससे कैप्शन का यूज़ करते हैं हम, मार्क कैप्शन पे क्लिक करा हमने, सिटीजन पे क्लिक करेंगे, सिटीजन हमको क्या देना है, लोकेशन देना है, मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया, वही वापस सो एन हाइट हो जाता है जो हमने हाइट दिए हुए हैं। अब आप रेफरेंस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ओके करेंगे, तो उसका भी एक टेबल लुकिंग यू डॉक्यूमेंट टू ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द फर्स्ट टेम्पलेट, मतलब उस तरीके की जो टेम्पलेट आपने इंसर्ट करी है वो आ जाएगी टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर, फुट नोट एंड नोट के लिए सिटीजन बिब्लियोग्राफी कैप्शन इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज, हमने ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। आप इसको करके देखेंगे रेफरेंस को, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, कहीं पर भी आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।